अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी चैनल की पहली वीडियो में हमने मंडी सादगंज रेलवे स्टेशन जो 1892 में तमीर हुआ था उसको हमने तफसीलन आपको दिखाया। लेकिन अब हमारी इस दूसरी वीडियो में हम आपको रेलवे स्टेशन के रिलेटिव, रेलवे स्टेशन के साथ अंग्रेज़ दौर में जो कुछ तमीर करवाया गया, जहाँ अंग्रेज़ों ने जो यहाँ हिकमत अमली इख्तियार की, हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि मंडी सादगंज रेलवे स्टेशन के साथ अंग्रेज़ों ने यहाँ हाउसिंग कॉलोनी, यहाँ पानी का सिस्टम, यहाँ और क्या क्या कुछ बनाया, आज हम तफसील से हम आपको दिखाएंगे। वीडियो इंजॉय कीजिएगा। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल नॉन वायरल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1892 में तमीर होने वाला मंडी सादगंज का रेलवे स्टेशन, जिसका पुराना नाम है मकलोडगंज रोड रेलवे स्टेशन, मकलोडगंज रोड रेलवे जंक्शन, यहाँ से एक लाइन हिंदू मलकोट, बठिंडा और लुधियाना की तरफ जाया करती थी, जो पार्टीशन के बाद उखाड़ ली गई। सम्मासट्टा से फाजल का ब्रांच लाइन पर पाक भारत बॉर्डर पर सेकंड लास्ट स्टेशन है, इसके बाद आखिरी स्टेशन है अमरुका। लेकिन अब ये स्टेशन खंडरात के हवाले है। दौरे अंग्रेज में मंडी सादगंज रेलवे स्टेशन पर बनी हुई हाउसिंग कॉलोनी और तमीराती काम और जितना भी लगाया हुआ सरमाया अब सारा खंडरात बन चुका है। अंग्रेज दौरे हुकूमत में डिस्ट्रिक्ट भावनगर की सबसे बड़ी किनाल सादकिया किनाल से पानी इस हौदी में जमा किया जाता था। 1892 में तमीर होने वाले मंडी सादगंज के रेलवे स्टेशन की रेलवे कॉलोनी को पानी मुहैया करने के लिए एक बहुत ही वसी पानी का इंतज़ाम किया गया इस हौदी में। टरबाइनों के ज़रिए साफ पानी इस टैंकी में जमा किया जाता था जो यहाँ की रेलवे कॉलोनी यूज़ किया करती थी, और पुराने वक्त में दूर दूर से अफराद इसी टैंकी में पानी लेकर जाया करते थे अपने घर में यूज़ के। अंग्रेज़ दौर के बने हुए आला दर्जे के क्वार्टर्स और बहुत ही अच्छे घर, जिनमें अब लोगों के मवेशी बंधे हुए नज़र आते हैं। यहाँ के लोग इन घरों को मेंटेन करने के बजाय इन घरों की ईंटें उखाड़कर अपने घरों में लगा लेते हैं। एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर अंग्रेज़ों ने उस दौर में बहुत अच्छी हाउसिंग कॉलोनी, पानी का निज़ाम, सेवरेज सिस्टम, तरक्याती इकदाम किए। दाद देता हूँ मैं उनके इस काम पर। एक खूबसूरत सड़क देखने को मिली जो वाइट कलर के पत्थर से बनाई गई थी। वो सड़क आज भी वैसे ही दिलकश और हसीन लग रही थी जैसे बरसों पहले लगा करती थी। बताते चलें कि 1892 में जब रेलवे स्टेशन तमीर करवाया गया तो मुसाफिरों के साथ साथ लोग अपना सामान और अपने
माल वगैरह जो एक से दूसरी जगह पहुंचाते थे उसके लिए जो रेल का जो अलहदा एक इंतज़ाम है वो हम आपको अपने वीडियो में पीछे दिखा सकते हैं कि यहाँ सिर्फ मालगाड़ी आगे रुका करती थी और सामान वगैरह उतारा करते थे और उसके लिए उन्होंने ये चीज़ बनाई हुई थी। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे खाल नमा सारा। और मालगाड़ी जहाँ रुका करती थी वहाँ उन्होंने एक दफ्तर बनाया था जहाँ लोग अलहदा एक अपना हिसाब किताब किया करते थे। वो उस तरफ अब मैं जा रहा हूँ, वो मेरी बिल्कुल सामने है, मैं आपको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। लेकिन अब जो इस दफ्तर की हालत जो है वो बिल्कुल खस्ता है। ये अंग्रेज़ दौर की बनाई हुई बहुत ही आला और बहुत अपने दौर में जो बनी हुई बहुत आलीशान बनावट है, लेकिन अब तो इसकी जो है ना हालत बिल्कुल ही खस्ता है और खंडरात है। लेकिन ये उस दौर में इस दफ्तर में इतनी चहल पहल हुआ करती थी, इतना रश हुआ करता था। हमने इस दफ्तर का आपको अपना तफसीली विजिट करवाते हैं। अब इस दफ्तर के हुस्न जमाल को नज़र लग चुकी है, इसकी छतें टूट चुकी हैं और दीवारें भी बिखरी पड़ी हैं। समासट्टा से अमरुका तक एक पैसेंजर ट्रेन चला करती थी जो 2008 में बंद कर ली गई। उसके बाद यूं कह लो हुकूमत को इस सेक्शन का कोई ख्याल नहीं आया। अब ये स्टेशन और हाउसिंग कॉलोनी खंडरात में तब्दील हो चुकी है। यहाँ के लोगों से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि वो पता नहीं कौन सा दिन होगा कि यहाँ दोबारा ट्रेन चलेगी। मंडी सादगंज रेलवे स्टेशन के नज़दीक अंग्रेज़ दौर में बनने वाला गल्ला स्टोर करने के लिए, अनाज स्टोर करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसके ऊपर जाकर हम आपको वीडियो में तफसीली बता रहे हैं कि ये क्या चीज़ है और किस लिए बनाया था। पाकिस्तान रेलवे से मुंसलिक मालूमाती वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। मेरा नाम है साजिद फटड़ और मेरे साथ कैमरामैन है मिस्टर एहतशाम। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। थैंक यू।